हेलो माय ब्यूटीफुल लवलीज, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लाई हूँ ग्लोबल हाइलाइट्स की वीडियो। किस तरह से हम ग्लोबल हेयर हाइलाइट्स करते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसका टेक्निक क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने, किस तरह से वेविंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है, सब कुछ बताऊंगी। इंस्टा पे मैंने ये पोस्ट किया था, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ वीडियो शेयर करो। मैंने इनका ब्लॉन्ड कलर किया, आप देख सकती हो काफ़ी अच्छा कलर आया है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको लेना है ब्लॉन्डर पाउडर। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्स कंपनी का यूज़ कर रही हूँ ब्लॉन्डर पाउडर। अगर आपको इस कलर का हाइलाइट्स चाहिए, जैसे कि ब्लॉन्ड में एस ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, तो मैंने इनका लाइट ब्लॉन्ड कलर किया है। इसके लिए आपको जो ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर का रेशियो होता है 1:1.5 रखना है, यानी कि ब्लॉन्डर थोड़ा ज़्यादा, डेवलपर उससे थोड़ा कम। तो डेवलपर के लिए आप 40 वॉल्यूम डेवलपर का यूज़ करोगे। मैंने स्ट्रिक्स कंपनी का ही 40 वॉल्यूम यूज़ किया है। आप नोट डाउन कर लीजिए ये सारे कुछ। सबसे पहले आप हेयर की क्वालिटी देख लो एंड आप बिफोर देख लो। नेक्स्ट आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे इनके पहले से थोड़े से हाइलाइट्स थे। जब भी आप ग्लोबल हेयर हाइलाइट्स करते हो, इसका क्या टेक्निक होता है, आपको इस तरह से बॉक्स सेक्शन बनाना है क्राउन एरिया के पास, ईयर टू ईयर एंड पीछे में दो पोर्शन, यानी कि टोटल 5 पोर्शन में हमें हेयर को डिवाइड करना है। नेक्स्ट आपको नैप एरिया से स्टार्ट करना है, इस तरह से एक पोर्शन निकालना है नीचे से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस हेयर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से कॉम की मदद से आपको इस तरह का ही कॉम यूज़ करना है। एंड देन इस तरह से कॉम का जो पीछे वाला पॉइंट होता है यानी टेल होता है, उससे आपको हेयर को वेविंग करके निकालना है। आप अगर चाहते हो एग्जैक्ट आपको मेरी तरह रिजल्ट मिले जैसे मैंने इनका किया है, आप क्या करोगे, इस तरह से गैप ले लेके मोटा मोटा थोड़ा वेविंग करोगे, इससे और अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब क्लोज वेविंग मत करो, जैसे हम क्रीज क्रॉस करके इसमें हेयर को निकालते हैं ना, जो आप क्रीज क्रॉस करते हो ना, तो ज़्यादा गैप रखा करो। जैसे कि मैंने 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिर्फ आपको दिख रहा होगा मैंने वेविंग करके 3 हेयर को ही निकाले हैं। अगर आप बगल बगल से वेविंग करोगे ना, यानी थोड़ा थोड़ा गैप रखोगे, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना गैप में आएगा। देखो इस तरह से एक लिया, फिर इस तरह से, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा वेविंग करो, इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने पर्सनली ऐसा देखा है। अगर आप इस टेक्निक से करोगे ना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो पतला पतला भी अच्छा लगता है एकदम, बहुत लोग एकदम फाइन लेते हैं वेविंग जब करते हैं ना, यानी कि क्रिस क्रॉस जो करते हैं हम कॉम के पीछे वाली पॉइंट से, बहुत लोग एकदम क्लोज रख के करते हैं, मैं वो नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा गैप कर देती हूँ। तो आपको एक पोर्शन में हेयर को निकालना है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है एंड देन इस तरह से वेविंग करना है, क्रीज क्रॉस करोगे तो वेविंग हो जाएगा, गैप दिखना चाहिए अच्छा खासा, क्लोज नहीं करना है। देन अल्मोनियम फॉइल का जो रफ वाला पोर्शन होता है, उस पर आपको पहले लगाना है ब्लॉन्डर पाउडर और डेवलपर को, तो इस तरह से, एंड देन आपको हेयर को उसमें अल्मोनियम फॉइल में रैप करना है एंड अच्छे से इमल्सीफाई करना है ब्रश की मदद से। आपका कलर इवन आएगा अगर आप अच्छे से इमल्सीफाई करोगे। तो वेविंग मैंने अच्छे से बता दी, अब मैं स्लाइसिंग बता रही हूँ, क्योंकि हम एक एक जो स्ट्रीप रखते हैं उसको हम स्लाइसिंग ही बोलते हैं। तो इस तरह से वेविंग करना है आपको, डन। देन अल्मोनियम फॉइल लेना है, अल्मोनियम फॉइल को इस तरह से होल्ड करना है कॉम की मदद से, देन इस तरह से क्रीम को लगाना है, देन इस तरह से रखना है, आप देख सकते हो, एंड देन रूट से 2 इंच छोड़ के आपको इस तरह से क्रीम का अप्लीकेशन करना है, अच्छे से इमल्सीफाई करना है ताकि एक भी हेयर में छूटे ना। इससे क्या होगा, आपका जो हाइलाइट्स है वो इवन नजर आएगा। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, सेम वैसे ही आपको करना है। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे, मैम ग्लोबल हाइलाइट्स का चार्ज कितना लेना चाहिए। 2500 आप ले सकते हो, 3000 भी आप ले सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ग्लोबल हाइलाइट्स में क्या ब्लॉन्डर पाउडर यूज़ करना कंपलसरी है। तो नहीं, अगर आपके क्लाइंट को इस तरह का कलर चाहिए जो कि एस ब्लॉन्ड, गोल्डन ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड हो, तो आपको करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्री लाइटनिंग नहीं करोगे, इसे हम प्री लाइटनिंग बोलते हैं, तो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। एंड आप थोड़ा फास्ट
करोगे, जैसे मैंने एक तरफ लगाया दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ, तो मेरा जो हैंड होता है वो फास्ट चल रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर आपको इंटायर हेयर में लगा देना है कलर को, इससे इवन नज़र आएगा हर जगह का कलर। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कितना स्ट्रिप लगेगा ग्लोबल हाइलाइट्स करने में। तो मेरे क्लाइंट के जो हेयर की डेंसिटी थी काफ़ी अच्छी थी, तो ऑलमोस्ट 30 स्ट्रिप लग गया था इनके इंटायर हेयर में, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सो मैंने जिस टेक्निक से किया, ये टेक्निक मुझे काफ़ी पसंद है, थोड़ा मोटा मोटा वेविंग मैंने किया, इससे ना बहुत ही प्यारा वाला लुक आता है। एंड आपने देखा होगा इंट्रो में मैंने लगाया है, मेरी वेविंग एकदम परफेक्टली हुई है। सो मैं आपको इसी तरह से बोलूँगी करने को, कॉम जो आप लीजिएगा ना, तो उसका जो टेल होता है पतला होना चाहिए, इसी से आपका वेविंग अच्छा होगा, यानी कि स्टील का रहना चाहिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ। पीछे में दोनों पोर्शन में हो गया लेफ्ट राइट, अब क्राउन एरिया में जो हमने बॉक्स शेप में सेक्शन बनाया था ना, उसको हम करेंगे। तो पहले हमने इस तरह से हेयर को लिया, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इस तरह से एकदम इवेनली आपको निकालना है। एंड देन वेविंग देखो मैं कैसे कर रही हूँ, वेविंग क्रिस क्रॉस करके किया जाता है इस तरह से, आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। तो इस तरह से हमने वेविंग किया, एंड देन हम फिर से अल्मोनियम फॉइल के रफ वाले पोर्शन में लगाएंगे क्रीम को, इससे क्या होता है हेयर चिपक जाता है। एंड देन आप इस तरह से अच्छे से हेयर में क्रीम को लगा दोगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप रूट के पास से नहीं लगाओगे, दिक्कत आ जाएगी। सो क्राउन एरिया पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको बहुत बारीकी से देखिए, इस तरह से आपको इसको कितने देर रखना है। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे मैम इसे कितने देर रखना चाहिए, तो मेरे क्लाइंट को जैसा कलर चाहिए था, तो मैंने 45 to 55 मिनट के अराउंड रखा था, यानी कि 50 मिनट रखा था। तो ये क्लाइंट के हेयर पे डिपेंड करता है, तो इनके हेयर में काफ़ी टाइम लग रहा था डिज़ायर रिज़ल्ट आने में मुझे, क्योंकि इनका मुझे एकदम लाइट कलर करना था, डेट्स वाई मुझे टाइम लगा। अगर आपको गोल्डन में चाहिए तो आप तुरंत 20 मिनट के बाद भी रिमूव कर सकते हो, बट जैसा मुझे कलर चाहिए था उसके लिए मैंने कम से कम 40 मिनट तो रखा ही, आपको भी रखना ही है 40 मिनट, ये कंपलसरी है अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए। हाँ, किसी क्लाइंट के हेयर में ना मैं देखती हूँ 30 मिनट में 20 मिनट में भी आ जाता है। सो ये डिपेंड करता है हेयर पे, हेयर की डेंसिटी पे। सो अच्छे से हमने क्राउन एरिया को भी कर लिया। क्लाइंट से पूछ लीजिएगा फ्रंट में उनको चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को फ्रंट में नहीं चाहिए होता है। सो ये सब कुछ आप क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर लोगे, पूछ लोगे, इससे आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जो काम कर रहे हो उनको भी पसंद आएगा। सो ये जो आप कलर देख रहे हो जो हम कर रहे हैं अभी, तो ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, ये प्री लाइटनिंग है, इसके बाद हम एक कलर और डिपॉजिट करते हैं। अब बारी आती है ईयर टू ईयर की, तो ईयर टू ईयर में बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये फ्रंट का लुक होता है तो बड़े ध्यान से आपको करना है। सो इधर मैंने 3 स्ट्रिप लगाया था, राइट साइड लेफ्ट साइड भी मैंने 3 स्ट्रिप लगाया था। सो प्री लाइटनिंग करने के बाद हम कलर आगे डिपॉजिट करेंगे, तो उसमें हम 20 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं कलर डिपॉजिट के लिए। प्री लाइटनिंग के लिए 40 वॉल्यूम यूज़ होता है, एंड डिपॉजिट के लिए 20 वॉल्यूम यूज़ होता है। इसके बाद ना चाहे तो आप इस पर रेड कलर, कोई भी फैशन कलर, इवन आप रेडिश ब्राउन कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हो, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा कलर उनको डिपॉजिट करवाना है। सो यही सिर्फ रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ हम हेयर का जो ओरिजिनल कलर होते हैं उसको रिमूव करें, इसके बाद ही जो असल रिजल्ट आएगा जो हम डिपॉजिट करेंगे, तो वो ध्यान से देखिएगा। सो आफ्टर 40 मिनट इस तरह का रिजल्ट आया, तो मुझे यही कलर चाहिए था बेसिकली। सो अब हम क्या करेंगे, इंटायर हेयर में चेक करेंगे, एंड पीछे का थोड़ा पहले हुआ था, फ्रंट का थोड़ा लेट से हुआ था, तो आराम से इसको खोलेंगे एंड देन इसको वॉश करने के लिए भेजेंगे शैम्पू स्टेशन पे। तो जब तक वॉश हो रहा है मैं आपको यहाँ पे क्रीम निकाल के दिखा रहा हूँ जो सेकेंड हम यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स कंपनी का 12N यानी कि सुपर लाइट ब्लॉन्ड शेड में यूज़ कर रही हूँ। मैं शेड नंबर बता देती हूँ, सुपर लाइट ब्लॉन्ड 12N, एंड मैं इसमें मिक्स करूँगी स्ट्रिक्स का वेरी लाइट ब्लॉन्ड 9 नंबर। इसमें मैं मिक्स करूँगी 20 वॉल्यूम, एंड रेशियो रखूँगी मैं 1:1.5, आप 1:1 भी रख सकते हो। सो इस तरह से मैंने अच्छे से बाउल में निकाल लिया है सेकेंड क्रीम को। शैम्पू आपको करना है
मैंने क्या किया था, अच्छे से हेयर को ना सेपरेट कर दिया था, ब्लैक हेयर में मैंने इस तरह से रबर लगा दिया, इससे कन्फ्यूज़न आपको भी नहीं होगा। एंड हाँ, शैम्पू कीजिएगा, ब्लॉन्डर पाउडर को ऐसे ही आपको वॉश नहीं करना है। हमने शैम्पू सन पे इनको ले गए थे हम क्लाइंट को अपने, एंड हमने क्या किया था, जो भी इनका हेयर में प्री लाइटनिंग हुआ था उसको हमने शैम्पू किया अच्छे से। उससे क्या होता है, आप जो सेकेंड कलर करोगे ना डिपॉजिट, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। सो इसको हल्का सा ड्राई कर लीजिएगा, मैंने 50% ड्राई कर दिया जिसमें हमने भी ब्लॉन्डर पाउडर को अप्लाई किया, एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा गोल्डन का टिंट आ रहा है, तो ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, एंड मुझे ये रिजल्ट भी नहीं चाहिए था, मुझे इससे और दो तीन होता ना शेड लाइट करना था। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर यूज़ किया सुपर लाइट ब्लॉन्ड, एंड मैंने हल्का मिक्स किया वेरी लाइट ब्लॉन्ड 9 फ्रॉम स्ट्रिक्स। तो अच्छे से हम इसको अप्लाई करेंगे, इमल्सीफाई करेंगे, एंड इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो अच्छे से आप अप्लाई करोगे, इमल्सीफाई करोगे, अगर ये ब्लैक हेयर में लग भी जाता है, फॉर एग्जांपल आप करते वक्त देखोगे कि ब्लैक हेयर में लग गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ब्लैक हेयर में नहीं चढ़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी हेयर में चढ़ेगा जिसमें आपने प्री लाइटनिंग किया है। सो ये सब बातों का ध्यान रखना है। इस कलर के ऊपर ना आप चाहे तो रेड भी लगा सकते हो, कोई भी फैशन कलर, कोई भी तरह का कलर लगा सकते हो, यानी कि कोई भी शेड डिपॉजिट कर सकते हो। क्लाइंट से पूछ लीजिएगा उनको कौन सा कलर डिपॉजिट करवाना है। मेरे क्लाइंट का मैंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे इनका लाइट ब्लॉन्ड कलर करना है, सो इस वजह से मैंने वही शेड को निकाला। एंड 20 मिक्स कीजिएगा, 40 मत कीजिएगा, अदरवाइज हेयर डैमेज हो जाएंगे। तो अच्छे से मैं निकाल के यहाँ पे दे रही हूँ, एंड अच्छे से यहाँ पे क्रीम का अप्लीकेशन हो रहा है, एंड अच्छे से इमल्सीफाई हो रहा है। इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए, इसके बाद हम कर देंगे शैम्पू एंड कंडीशनिंग। तो शैम्पू के लिए मैंने लॉरियल का हेयर स्पा शैम्पू यूज़ किया था, एंड स्पा क्रीम मैंने हल्का सा इनको अप्लाई किया था, मास्क लॉरियल का। सो चलिए आप यहाँ पे प्रोसेस देख लो, एंड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, कमेंट में पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। आपको कुछ भी अगर डर लगता है हाइलाइट्स करने में, आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, अगर आपके कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे मुझसे क्लियर कर सकते हो, श्रुति मन्नत मेकओवर मेरी इंस्टा हैंडल का नेम है, एंड फेसबुक का। एंड हाँ, एक और बात, अगर आप सहरसा के हो तो अगर आपको बुकिंग करवाना है, बहुत लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं कि मैम आप कहाँ के हो, मैं बुकिंग करवाना है, तो सहरसा बिहार से मैं हूँ, तो अगर आपको बुकिंग करवाना है ब्राइडल मेकअप का या कुछ भी, तो आप आ सकते हो मेरे सैलून में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मुझे इंस्टा पर DM करना, मैं वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दूँगी। सो इवन मेरा मेल ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बहुत लोग मुझसे मेल ID में भी पूछते हैं कि मैम आपका एड्रेस क्या है, तो मैं बता देती हूँ पब्लिकली, मैं अभी नहीं बताती हूँ फॉर सम रीज़न, बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर पब्लिकली भी आपको कभी ना कभी ज़रूर बताऊँगी। सो चलिए, अच्छे से हमने यहाँ पे प्री लाइटनिंग करने के बाद कलर को डिपॉजिट कर लिया है। सो देख सकते हो आप, ये जो येल्लोपन आप देख रहे हो ना, ये सारा गायब हो जाएगा अगर आप अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दोगे एंड इमल्सीफाई कर दोगे। तो अच्छे से एप्लीकेशन होने के बाद अब चलिए हम करेंगे शैम्पू एंड कंडीशनिंग। तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं लॉरियल का हेयर स्पा शैम्पू एंड मास्क यूज़ करूँगी, लॉरियल हेयर स्पा का ये वाला। सो चलिए, अब हेयर वॉश हो गया है, अच्छे से हम यहाँ पे सीरम अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, कितना प्यारा वाला कलर आया है, आप देख सकते हो, मेरे क्लाइंट को यही कलर चाहिए था। सो आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, एंड फाइनल रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, आप देख सकते हो वेविंग बहुत ही अच्छे से हुई है, एंड कलर बहुत ही प्यारा वाला आया है। सो इस कलर को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने क्लाइंट के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जब ये वाला कलर इस तरह से अचीव कर लोगे। सो बहुत लोग DM कर रहे थे इंस्टा पे कि मैम प्लीज़ शेयर करो आपने ये वाला हाइलाइट्स कैसे किया, क्योंकि मैंने पोस्ट किया था पिक्चर। तो चलिए, आपके सामने फाइनल रिजल्ट है। तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद हमने हल्का सा आयरन किया था, तो मैंने आयरन मशीन के लिए आइकॉनिक का टाइटेनियम स्ट्रेटनर यूज़ किया है। तो अच्छे से हम यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन कर रहे हैं। सो आयरन भी बहुत अच्छे से करना है आपको, एक एक बार भी आयरन कर दोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से ब्लो ड्राई कर दिया था। अगर आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर दोगे ना अच्छे से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड आप देख सकते हो वेविंग थोड़ा मोटा मोटा हुआ था, कितना अच्छा लुक आया है, इसलिए मैं बोल रही थी आपको बहुत पतला पतला मत कीजिएगा। पहले मैं बहुत पतला पतला वेविंग करती थी, तो उससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना मुझे इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।
सो इस वजह से मैंने ये वीडियो शूट भी किया आप लोगों के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो। सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो आयरन जैसे जैसे हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वेविंग। सो इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब क्या फाइनल रिजल्ट। सो हियर इज द फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर लग रहा है। सो मैंने यहाँ पे गोल्डन लाइट एंड वाइट लाइट दोनों में आपको दिखाया है। वाइट लाइट में जो होता है ना ओरिजिनल कलर दिखता है, सो एकदम प्रॉपर लाइट ब्राउन दिख रहा था। एंड अभी गोल्डन लाइट में ये आपको हल्का सा आप देख सकते हो जैसे कि सुपर लाइट ब्राउन दिख रहा है। सो फाइनल रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पोनी जब आप करोगे ना इस तरह से तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगता है, आप देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छे से इनका हाइलाइट्स हो गया था एंड क्लाइंट को पसंद भी आया था। सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो ये ओरिजिनल लाइट में मैंने वीडियो शूट करके आपको दिखाया है कि ओरिजिनल लाइट में ऐसा कलर लग रहा था, रिंग लाइट पे थोड़ा डिफरेंट कलर लगता है एंड ओरिजिनल में थोड़ा डिफरेंट लगता है। सो मेरे क्लाइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस क्लाइंट के ऊपर ये वाला कलर जाएगा? फेयर टू मीडियम पे, ज़्यादातर ये कूल अंडरटोन वालों पे ही जाएगा। मीडियम अंडरटोन वालों पे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा एंड वार्म अंडरटोन पे तो नहीं अच्छा लगेगा। कूल अंडरटोन वाले अगर आप हैं तो आप ये कलर बहुत अच्छे से जाएगा। मेरे क्लाइंट बहुत प्यारी लग रही है एंड ये मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट भी है एंड मतलब होता है ना बहुत पुरानी क्लाइंट से अटैचमेंट थोड़ी हो जाती है। सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय।